नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर अंचल के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिर सिंधिया का कार्यकर्ताओं ने रेलवे स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिर सिंधिया ने ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए अभी तक के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस जो भी कहे सो कहे, हमें इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग सभी की लड़ाई हमेशा लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत ही चुनाव लड़े जाएंगे। आपको बता दें कि सिंधिया अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान 19-20 मई को सीपी गुना अशोकनगर के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 20 मई की शाम अशोकनगर से भोपाल रवाना होंगे, जहाँ स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने के बाद भोपाल से देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। ग्वालियर से खबर हरपल के लिए मोनू राठौर की खबर। कांग्रेस तो जो भी कहे सो कहे, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग सभी की लड़ाई सदैव लड़ी है और उस आरक्षण सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके तहत ही चुनाव लड़े जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।